अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हर बच्चे को बहुत डाउट होता है, मतलब कोई ऐसा बच्चा जल्दी मिलता नहीं जिसमें इस क्वेश्चन में डाउट ना हो, वो बस घूमता ही रहता है ये वाला बता दो। अगर उससे पूछो फ्रिक्शन में क्या बता दो तो बोलेगा ब्लॉक के ऊपर वाला ब्लॉक बता दो। मतलब इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या डाउट है। आज आप इसको बिल्कुल केयरफुली देखो, बिल्कुल आराम से देखो, हर स्टेप को फॉलो करो। मैं इसको बहुत तसल्ली बहुत प्रेम के साथ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? और इसको सीखने की कोशिश करो, स्टेप बाय स्टेप सोचो और बिना सोचे इस क्वेश्चन को हैंडल मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर से होगा नहीं। आपको इसको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है, हड़बड़ी में नहीं सॉल्व करना है। दो चार दस सेकंड बीस सेकंड ज्यादा लगेगा चलेगा, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, आओ। तो पहले फटाफट FBD बनाते हैं। देखा हमने यहां फोर्स F लगाया है इधर, तो FBD बनाओ ऊपर वाले का। पहले ऊपर वाले का FBD अगर हम बनाएंगे तो इस पे दिखाएंगे ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा N1 और इसका वेट लग रहा होगा 50 न्यूटन, और इस पे फ्रिक्शन, कल बताया था ना फ्रिक्शन निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, मानो फ्रिक्शन नहीं है तो ये ब्लॉक कहां भाग के जाता, आगे। तो इस ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक पे, इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगता, पीछे। तो इस पे किधर लगेगा, आगे। तो इसके इस सर्फेस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, गलत यहां होता है। इस सर्फेस पे लोग फ्रिक्शन दिखाते हैं, नहीं यहां होगा, इस सरफेस से फ्रिक्शन लगेगा आगे, ठीक। चलो अब दूसरे का FBD बनाते हैं, दूसरे वाले का FBD लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे लगेगा नॉर्मल N2, नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, 100 न्यूटन का वेट लगेगा और इस सरफेस पे लगेगा एक रिएक्शन नॉर्मल 1, और क्या लगेगा, इस बॉडी पे लगेगा फोर्स F और इस बॉडी के इस सरफेस पे लगेगा फ्रिक्शन F, इस वाले के इस सरफेस पर फ्रिक्शन लगेगा। तो F दिखा दिया, इतना हो जाएगा मेरा FBD। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या फोर्स लगाएं कि दोनों एक साथ चलें? हम यहीं से शुरू करते हैं, क्या फोर्स लगाएं कि दोनों एक साथ चलें, या इसका उल्टा कि कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है जिससे वो दोनों साथ चलें। दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन एक ही जैसा है। तो पहले हम ये पता करें क्या एक्सेलरेशन हो दोनों का कि जिससे एक ही साथ चलें, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है जिससे दोनों एक साथ चलें, ठीक। पहला क्वेश्चन ये, और उसी के बाद ये वाला क्वेश्चन, क्या कि कितना फोर्स हो उसी करस्पॉन्डिंग, ठीक। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इन दोनों ब्लॉक में कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो कोई सा भी एक्सेलरेशन ले सकता है, जिसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन की कोई औकात ही नहीं है, कुछ भी एक्सेलरेशन ले सकता है इन दोनों ब्लॉक में, गैस करके बताओ कौन सा होगा, गैस का मतलब सॉल्व करके बताओ क्या होगा। तो अगर आप देखो इसके लिए या इसके लिए, तो अगर बहुत सारे बोलते हैं कि ये कोई भी एक्सेलरेशन ले सकता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये कोई भी एक्सेलरेशन ले सकता है, क्या ऐसा है? इसको चला कौन रहा है, पहले ये सोचो, इसको चला रहा है फ्रिक्शन, इसको कौन चला रहा है, फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। तो ये एक्सटर्नल फोर्स यहां लगा है, इसके फोर्स की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, इसका तो एक फिक्स है भाई, जितना मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लग सकता है उतने से चल सकता है। तो जो बच्चे बोलते हैं ये कोई भी एक्सेलरेशन ले सकता है वो क्या है, गलत है, ये कोई भी एक्सेलरेशन नहीं ले सकता, इसके मैक्सिमम की कोई भी औकात नहीं, कोई भी ले ले, इसके मैक्सिमम की कोई औकात फिक्स है, ये केवल एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक ही जा सकता है, ये अनलिमिटेड वैल्यू का एक्सेलरेशन ले सकता है क्योंकि ये फोर्स से गवर्न होता है। इन शॉर्ट अब आज के बाद से जो ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा समझ जाना वो कोई सी वैल्यू का एक्सेलरेशन कैरी कर सकता है, और जिस पे फ्रिक्शन लग रहा हो, जो खाली फ्रिक्शन की वजह से चल रहा हो, उस पे क्या हो जाएगा, उस पे केवल एक मैक्सिमम की फिक्स वैल्यू है, वो फ्रिक्शन डिसाइड कर लेगा, ठीक। तो अब मेरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि बताओ ये दोनों सिस्टम मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से चलेंगे, तो अब बताओ दोनों को अगर एक साथ चलाना है तो कौन डिसाइड करेगा, ये वाला नहीं, जो सबसे कमजोर होगा वो डिसाइड करेगा। भाई सबको अगर साथ में लेके चलना तो सबसे फिसड्डी वाले को अपने साथ लेके चलो, तो हमको इसको साथ में लेके चलना है, तो जो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वही इस सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, किस लिए, एक साथ चलने के लिए। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, जैसे मान लो एक ग्रुप में 6 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत फिसड्डी है, अब आपको बोला गया है, मतलब खास हिदायत दी गई है, इंस्ट्रक्शन है कि सबको साथ लेके चलो, तो आपको कितने एक्सेलरेशन चलना होगा, जो सबसे तेज चल रहा होगा उसके साथ नहीं, उसके हिसाब से चलो जो सबसे धीमे चल रहा है, ठीक है। तो सबसे धीमे मतलब जो हर पॉसिबल वैल्यू का एक्सेलरेशन नहीं ले सकता वो ये है, तो ये केवल मैक्सिमम वैल्यू का ले सकता है, कितने मैक्सिमम वैल्यू का, वो फ्रिक्शन डिसाइड करेगा, ठीक। और इसकी तो कोई भी मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन की हो सकती है, तो मैं इसके लिए मैक्सिमम निकाल लूं, वही इस सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा जब दोनों एक साथ चलेंगे तब। तो क्या आएगा इसके लिए, तो फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हेन M1 एंड M2 मतलब ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर,
सो ये क्या हो जाएगा, एफ मैक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए मैक्स। एफ मैक्स कितना होगा यहां पे, एफ मैक्स क्या हो जाएगा, एफ मैक्स हो जाएगा म्यू, म्यू है कितना 0.4 इंटू एन वन, एन वन कितना है 50। ठीक है, एफ मैक्स की जो वैल्यू निकालोगे क्या लिखोगे, वो लिखोगे म्यू टाइम्स ऑफ एन, तो म्यू कितना है 0.4, एन कितना है 50, तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ ए मैक्स। सो ए मैक्स की जो वैल्यू आएगी यहां पे वो आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, मतलब इस पूरे सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा उसके लिए, आओ देख लेते हैं। इसके लिए लिखो एफ माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस समय मैक्सिमम लग रहा होगा ना, कितना फोर्स लगाएंगे एक साथ चले ना, इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा यहां पे 10 टाइम्स ऑफ ए। तो एफ माइनस क्या हो जाएगा, एफ मैक्स कितना आया था 20 न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 4, सो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 न्यूटन। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये इतना लंबा क्यों कर रहे थे आप, ऐसे फटाफट कर लेते हैं ना, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये दोनों एक साथ ही चल रहे होंगे ना, जब एक साथ चल रहे होंगे तो एक सिस्टम बन जाएगा, जब एक सिस्टम बन जाएगा तो ये सिस्टम कितना हो जाएगा 15 किलोग्राम का एक सिस्टम हो जाएगा, जो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चल रहा होगा, तो 15 इंटू 4 15 इंटू 4 60 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो एक साथ चलें। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया बात सोच रहे हैं। ठीक है, तो इतना फोर्स आप मैक्सिमम लगा सकते हैं जब एक साथ चलेंगे, और इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है जब एक साथ चलें। इन शॉर्ट में एक लाइन में फिर से बोलता हूं, जिस ब्लॉक को केवल फ्रिक्शन चलाएगा वही डिसाइड करेगा कि एक साथ चलना है या नहीं चलना है, उसी का मैक्सिमम पॉसिबल निकाल लो एक्सेलरेशन, वही तुम्हारा एक साथ चलने के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर? अब अगर मान लो आपसे बोला जाए कि ये क्वेश्चन नया फ्रेश क्वेश्चन है वही क्वेश्चन, मैं उसी के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूं और बोलता हूं नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे मिला है कि अगर इस ब्लॉक पे लग रहा है 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो आपको बताना है इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, और इस सिस्टम में इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पता है आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मत हैंडल करना कि आपको इसका इसका एक्सेलरेशन पूछा, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन पूछा है, तो क्या करोगे आप पहले फटाफट पता करो इस सिस्टम को एक साथ चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, ये पता ही करो आप, कुछ मत सोचो कि क्वेश्चन में मतलब ये पूछा नहीं तो क्यों पता करें, पता करो, कह रहा हूं तो पता करो, क्यों नहीं तो गलत हो जाएगा। तो जैसे आपने अभी पिछला क्वेश्चन किया उतना क्वेश्चन आप फटाफट कर सकते हो, कैसे, आपने डिसाइड कर लिया ये एक साथ चलेगा तो एक साथ चलने के लिए कितना एक्सेलरेशन चाहिए, आपने निकाल लिया एक साथ चलने के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 4, उसके करस्पॉन्डिंग कितना हो सकता है 460, मतलब 0 से लेकर 60 न्यूटन तक के फोर्स के लिए एक साथ चलेगा, बात खत्म, खत्म हो गया ना। देखो यहां 30 न्यूटन लगा नहीं लगा, अगर 30 लगा है यहां पे तो पक्का एक साथ चलेगा, हो गया खत्म आपका काम। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है ना, तो अब इसका मतलब मैंने फोर्स लगाया 30 न्यूटन, और 30 न्यूटन क्या है, उस फोर्स से कम है, इसका मतलब ये दोनों एक साथ चलेंगे, जब दोनों एक साथ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कंबाइंड सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे, तो क्या लिखा जाएगा एफ इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए। ठीक है, तो एफ हमारा है 30 न्यूटन और मास क्या है 5 और 10, और एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आगे नहीं आ गया, लेकिन ये गलत कर सकते थे आप, गलत कैसे कर सकते थे आप जानते हो कैसे कर सकते हो गलत, क्यों, क्योंकि अगर वो कैलकुलेट नहीं करते तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाते एक साथ चलेगा नहीं चलेगा, बस यहीं लड़के फंस जाते हैं, यहीं बच्चे फंस जाते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं। आपको 2-3 स्टेप इसमें करने हैं, करो उसको बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ करो, आंसर आएगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे, अच्छा हो गया, ठीक है, फिर फ्रिक्शन कितना लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, एफबीडी बनाना आता है ना, तो आपने इसको एफबीडी बनाया होगा ना, तो अब देखो कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो किसी से निकालो, अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि इसको किसने चलाया, तो आपको जवाब मिलेगा फ्रिक्शन ने चलाया, इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो आपको जवाब मिलेगा आपने अभी निकाला है इसका एक्सेलरेशन 2 है, तो इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन इतना लग रहा होगा क्योंकि इस पे 2 होगा। अब ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा काइनेटिक होगा, इन दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो ये स्टैटिक ही होगा, इसीलिए तो सेल्फ एडजस्ट करेगा, तो खैर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इतनी आएगी कि इसको 2 से चलाए तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इनटू 2, क्यों, F इज इक्वल टू एम ए से निकाल लिया हमने, किससे निकाला, F इज इक्वल टू एम इनटू ए वाले कांसेप्ट से निकाल लिया, तो क्या आएगा फ्रिक्शन 10 न्यूटन आ जाएगा, और खुद भी देख सकते हो ये फ्रिक्शन मैक्सिमम पॉसिबल के फ्रिक्शन से कम है, और मैक्सिमम पॉसिबल अभी हम लोगों ने निकाला था कितना आया था 20 न्यूटन आया था, 20 न्यूटन से कम ही आ रहा है, आना भी चाहिए था, क्यों आना चाहिए था, ये स्टैटिक लग रहा है, स्टैटिक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, कहाँ 0 से लेकर मैक्सिमम के बीच में, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन, देखो हो गया ना फटाफट, लेकिन वो आप स्टेप करके आते तो ही होता, नहीं तो गड़बड़ कर देते आप। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने फोर्स 90 न्यूटन का लगाया तो क्या होगा, फिर से
पहले वाले स्टेप पे जाओ, जो सबसे पहला स्टेप किया था आपने, क्या किया था? पहला स्टेप क्या था कि एक साथ चलेंगे कब? एक साथ चलेंगे जब 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा तब। लगाया कितना तुमने? 90। आंख बंद करके बोलो एक साथ नहीं चलेंगे। देखो फटाफट डिसाइड हो गया ना, उतना डिसीजन मेकिंग के लिए करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको मानो। तो इसका मतलब 90 न्यूटन लगाओगे एक साथ नहीं चलेंगे, ठीक है नहीं चलेंगे, तो हम भी कौन सा डर रहे हैं, हमने इसको अलग अलग ही मान लिया। लो अलग अलग दो सिस्टम हो गए, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ A1 और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा F माइनस F इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ A2। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मैंने इसके लिए अलग इक्वेशन लिख ली, इसके लिए अलग इक्वेशन लिख ली, तो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा? इस समय इस पर फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक। और मान लो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के हिसाब से बोला गया स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 है और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो दे रखा है वो 0.3 है। मैं आपको इसी में एक बात और बता देता हूं, कुछ ना दिया जाए तो स्टैटिक लेना, यही वाला म्यू ही वाला उठा लेना, लेकिन कभी कभी दे देते हैं म्यू के, तो आप म्यू के वाला लिखना। कौन सा लिखना? म्यू के वाला लिखना, ठीक है। एफ के लिखना, काइनेटिक लिखना, ठीक। तो अभी तक जब तक एक साथ चल रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग के लिए आप म्यूएस यूज करना। जैसे ही आपको लगे कि 60 न्यूटन यहां, मतलब इस क्वेश्चन के साथ 60 न्यूटन ज्यादा हो गया, मतलब जैसे स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद आप जहां कहीं भी वैल्यू आप रखोगे काइनेटिक वाली रखोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो काइनेटिक के हिसाब से क्या आएगा यहां पे? काइनेटिक हो जाएगा हमारा यहां पे, काइनेटिक फ्रिक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? म्यू के टाइम्स ऑफ एन। म्यू के टाइम्स ऑफ एन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 3। नॉर्मल की वैल्यू कितनी थी? 50। तो क्या आ जाएगा? 15 न्यूटन आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 न्यूटन काइनेटिक हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A1। सो A1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि एंड टाइम पे हमने फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्यों बदल दिया? आपको एक क्वेश्चन लगातार और बताने के लिए। अगर मान लो मैं म्यू ही यूज करता तो यहां पे रहता 0.4, तो यहां रहता 0.4, तो ये एक्सेलरेशन आ जाता 4। लेकिन अब अगर आपको कभी डिफिकल्ट लगे जो क्वेश्चन कि यार म्यू के दे रखा तो कैसे हैंडल होगा, कुछ नहीं, अभी तक जितना करते आए वैसे ही करो। लफड़ा यहां होने वाला है जब ये स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो स्लिपिंग स्टार्ट से पहले तो मुझे म्यू से ही डिसाइड करना है ना, स्लिपिंग के बाद ही काइनेटिक यूज करना है। तो आप इस जब ऐसी कंडीशन आएगी स्लिपिंग हो जाए तभी आप इसको यूज करेंगे और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 90 लगाया था ना, 90 माइनस काइनेटिक कितना था? 15 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ A2। सो A2 इज इक्वल टू आ जाएगा 75 डिवाइड बाय 10, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो फटाफट हो गया, कितना इससे ज्यादा डिफिकल्ट आज तक कभी आया नहीं जेई मेंस में और नीट में, ठीक है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे उसी क्वेश्चन को हम थोड़ा एक और एग्जांपल से रिप्लेस करते हैं। यहां पे क्या दिया है? फोर्स ऊपर लग गया, अब क्या होगा? तो ऊपर लग गया तो पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। फ्रिक्शन कैसे लगेगा? मतलब बीडी बनाने का काम करते हैं। ऊपर लगेगा नॉर्मल N1, नीचे लगेगा वेट 50 न्यूटन, फोर्स आगे लगेगा। आपको बताया था मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक आगे भाग के जा रहा था, तो इस पे लगता फ्रिक्शन पीछे, थोड़ा बदल गया ना देखो पहले से बीडी। अब नीचे वाले क्या लगेगा? नीचे वाले लगेगा फ्रिक्शन आगे की तरफ, नॉर्मल लगेगा N2 ऊपर की तरफ, वेट लगेगा 100 और ये नॉर्मल लगेगा 50। अब क्या है? अब आपको पूछा क्या है मैंने? बताओ कितना फोर्स लगाएं कि एक साथ चले। क्या बोला मैंने? कितना फोर्स लगाएं कि एक साथ चले और क्या मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन होगा जब एक साथ चलेंगे। तो फिर से आप सोचोगे कौन डिसाइड करेगा? तो अभी सर ने बताया था ऊपर वाला डिसाइड करता है, मैंने एक बार बोला ऊपर वाला डिसाइड करता है, नहीं 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 नीचे वाला डिसाइड करता है, मैंने एक बार बोला नीचे वाला डिसाइड करता है, नहीं मैंने बोला कि डिसाइड कौन करता है? डिसाइड वो करता है जो सबसे कमजोर होता है, जिसकी एक लिमिट होती है, जिसकी एक औकात होती है मैक्सिमम, और जिसकी मैक्सिमम की औकात का कोई पता ही नहीं है, उसके बारे में क्या बात करना। तो यहां पे ये इसकी अनलिमिटेड औकात है क्योंकि यहां फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसकी एक औकात फिक्स है। कौन ये डिसाइड करेगा? एफ, ठीक है, मतलब ये अब डिसाइड करेगा नीचे वाला, ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। सो फॉर ए मैक्स कितना मैक्सिमम होगा उसके लिए क्या करेंगे हम? इसको देखेंगे, क्या देखेंगे? एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ ए मैक्स। एफ कितना हो जाएगा? मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन। अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन से डिसाइड होगा ना, तो नॉर्मल मेरा ये वाला यूज होगा ना। बहुत सारे लोग N2 यूज कर लेते हैं, भाई इनके बीच में फ्रिक्शन है ना, तो ये वाला नॉर्मल डिसाइड करेगा ना। सो एफ मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? एफ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ मैक्स की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी म्यू टाइम्स ऑफ N1। N1 कितना है? 50। म्यू कितना है? 0.4। तो क्या आएगा? 0.4 इंटू 50 क्या आ जाएगा? 20 न्यूटन, जो पहले आ रहा था अभी से पहले वाले क्वेश्चन में, तो 20 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो 20 न्यूटन आ गया, तो ए मैक्स की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या जाएगा? 20 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ए मैक्स। सो ए मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी? अगर इनको एक साथ चलाना है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलना होगा।
मतलब मैक्सिमम ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक साथ चल सकते हैं, 0 से चल सकते हैं, मतलब 0 पे चलना ही क्या, 1 से चल सकते हैं, 1.5 से चल सकते हैं, 1.75 से चल सकते हैं, 2 से चल सकते हैं, 2 से ज्यादा से नहीं चल सकते हैं। तो कितना फोर्स लगाएं एक साथ चलें, तो आप लोग तो मास्टर हो गए होगे, तुरंत बता दोगे ना एक साथ है, कंबाइंड सिस्टम है। सो मैक्सिमम फोर्स कितना हम लगा सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स व्हेन बोथ आर मूविंग विद, मैं टेढ़ा लिख रहा हूं, वो थोड़ा मेरा एंगल टेढ़ा चल रहा है आजकल, विद सेम एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू 5 + 10 इनटू A, A कितना है आपका 2, तो F की वैल्यू कितनी आएगी, F की वैल्यू आएगी 30 न्यूटन। 30 न्यूटन का जब आप फोर्स लगाएंगे तब एक साथ चलेंगे, मतलब आप 30 न्यूटन तक का फोर्स लगाएंगे तब एक साथ चलेंगे, मतलब अगर आप 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15, 20, 25, 28, 29 तब तक ये एक साथ चलेंगे, 30 से ज्यादा हुआ तो अलग अलग चलेंगे। ओके, तो आप बहुत काम चोरी करते हैं कमेंट करने में, ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, एफ इज इक्वल टू 15 न्यूटन के लिए और 75 न्यूटन के लिए सॉल्व करके आंसर कमेंट जरूर करना, कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा कुछ सीख रहे हो, और अगर मान लो फिर भी कोई डाउट रह जाता है इस तरह के क्वेश्चन में तो मुझको बताओ, ठीक है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बताओ कि सर इस वाले पॉइंट में कुछ समझ नहीं आया, हम अभी हैं किसके लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है, फटाफट हम तुम्हारा डाउट सॉल्व करेंगे, लेकिन 15 और 75 के लिए सॉल्व करके आंसर कमेंट जरूर करना, समझे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं नीचे फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, लो आ गया, नीचे फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, नीचे 0.3 का लगा दिया, अब बताओ क्या होगा, ठीक। तो इसको बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा डिफिकल्ट है कि तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर से वहीं से शुरू करते हैं, कितना फोर्स लगाएं या कितना एक्सेलरेशन हो कि जिससे दोनों एक साथ चलें, ठीक है। तो पहले आओ FBD बनाते हैं, मान लो फ्रिक्शन नहीं था तो ये आगे भाग के जा रहा होगा, तो आगे भाग के जा रहा होगा तो इस पे क्या लगेगा, इस पे फोर्स F लगेगा, इसके नीचे वाले सरफेस पे F2 लगेगा, इसके ऊपर वाले सरफेस पे F1 लगेगा, और यहाँ पे इसका लगेगा नॉर्मल N2, और वेट हो जाएगा इसका 80 न्यूटन, और यहाँ पे लगेगा एक नॉर्मल N1, और तो कुछ नहीं होगा। और फाइव वाले पे हो जाएगा, एक नॉर्मल लगेगा ऊपर N1, और लगेगा क्या यहाँ पे 50, और ये क्या है, आगे भाग के जा रहा था नीचे वाला सरफेस, तो पक्का इस पे क्या लगेगा फ्रिक्शन, इधर F1, और तो कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, कौन डिसाइड करेगा कि ये जो है एक साथ चलेगा, ये या ये, फिर से ये तो डिसाइड करेगा कि एक साथ चलेगा नहीं चलेगा, तो एक साथ कितने एक्सेलरेशन से चलेगा ये डिसाइड करेगा ये वाला। तो फिर से मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हेन दे आर मूविंग टुगेदर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू MA, मैक्स, वन का मैक्सिमम मतलब वन का मास, तो क्या लिखा जाएगा F1 max क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ N1। सो F1 मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगा म्यू टाइम्स ऑफ N1, म्यू कितना है यहाँ पे 0.4, N1 कितना है 50, क्या आया 20 न्यूटन। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना आएगा, यहाँ पे अगर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन देखो तो ये हो जाएगा आपका, इसी में वैल्यू ला के भरो तो क्या हो जाएगा, 20 = 5 × A max। तो ये फटाफट आपको ऐसे रट गया होगा ए मैक्स कितना आएगा, क्योंकि लगातार आप क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे इसी टाइप का, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब प्रॉब्लम आती, फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स निकालने के लिए देखोगे तो इसको सॉल्व करने जाओगे, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मैं 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तभी ये सिस्टम चलने लग जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि नीचे भी फ्रिक्शन है। आप ऐसा इमेजिन करो, आप एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक कोई हैवी सी बुक रखी, बहुत मतलब कोई बहुत हैवी सी बॉक्स रखा है, और आप उस टेबल को खींच रहे हो, तो अगर आप थोड़ा फोर्स लगाओ तो क्या टेबल को आप खींच ले जाते हो क्या, नहीं, तो क्या ऊपर वाला बॉक्स चलता है क्या, नहीं। अब आप एक बार सोचो, ऊपर वाला बॉक्स तब चलेगा जब टेबल चलेगी पहले, तब, बिना टेबल चले वो बॉक्स नहीं चल सकता है ना। सबसे पहले ये डिसाइड करो टेबल चलेगी कि नहीं चलेगी, भैया टेबल चलेगा तभी तो बॉक्स चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपका डिसीजन होना चाहिए टेबल कब चलेगा, टेबल चल जाएगा उसके बाद ऊपर वाला बॉक्स चलेगा ना। कभी ऐसा हुआ क्या, आप नीचे खींच रहे हो, नीचे वाला नहीं चला, ऊपर वाला चल गया, अब ये करो ना, ऐसे ने धक्का मार दिया तो वो हिल के गिर गया, वो नहीं, ऐसे खींचना शुरू करो
तो जब पहले टेबल चलेगा उसके बाद बॉक्स चलेगा, क्लियर है कि नहीं? तो खैर ये तो हमने पता कर लिया चार होगा, लेकिन ये टेबल कब चलेगा, मतलब ये वाला बॉक्स कब चलेगा, ये नीचे वाला, ये वाला ब्लॉक कब चलेगा? ठीक है, नीचे वाला ब्लॉक तब चलेगा जब ये इन दोनों को ओवरकम कर लेगा, कौन, ये फोर्स। तब इन शॉर्ट में बोलूं, इनको कंबाइंड सिस्टम ले लूं, तो जब ये फोर्स इस F2 को ओवरकम कर लेगा तब चलेगा। क्यों? जब इन दोनों को एक सिस्टम ले लोगे तो F1 बन जाएगा इंटरनल, अब क्या लगेगा, F F2 से ही जब बैलेंस होगा तब चलेगा। तो आप हमेशा इस तरह क्वेश्चन में ये डिसाइड किया करो, चलेगा कब, चलेगा कब, ये मूव कब करेगा, ये अरेंजमेंट मूव कब करेगा, मूव करेगा व्हेन F इज ग्रेटर देन F2 मैक्स। अब F2 मैक्स निकालना क्या है, F2 मैक्स का जो वैल्यू आ जाएगा, ये मैंने व्हेन क्या लिखा है, जब ये चलेगा, इसलिए कंडीशन मैंने पूरी लिखी नहीं, ग्राम का था, म्यू टाइम्स ऑफ N2। अब N2 निकालने में बहुत लोग गलती करते, बोलते N2 80 होगा, नहीं, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 ऊपर 80 नीचे, N1 नीचे, N1 कितना है 50 के बराबर, तो N2 की वैल्यू आएगी 130 न्यूटन। फिर से बता देते हैं, यहाँ नॉर्मल मतलब नेट पुशिंग फोर्स ना, तो ये इसका वेट भी पुश कर रहा है, इसका खुद का वेट पुश कर रहा है, तो टोटल पुशिंग फोर्स के बराबर हो रहा, तो यहाँ पे N2 वैल्यू आ जाएगी 130 न्यूटन। तो क्या आ जाएगा, F2 मैक्स की जो वैल्यू आएगी, F2 मैक्स हो जाएगा 0.3 टाइम्स ऑफ 130 न्यूटन, मतलब 39 न्यूटन। मतलब जब ये फोर्स 39 न्यूटन से ज्यादा होगा तब चलेगा, उससे पहले चलेगा ही नहीं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं जीरो से लेके, जीरो फोर्स से थोड़ा ज्यादा लगाया, एक न्यूटन, दो न्यूटन, 20 न्यूटन लगा चल गया, नहीं, 39 न्यूटन तक तो आप खींचोगे तो वो हिलेगा ही नहीं, जब ये हिलेगा नहीं तो ये बॉक्स कहां से चलेगा। अच्छा, मतलब आपको शुरुआत से लेके 39 न्यूटन तक फोर्स आपका वेस्ट जाएगा, एक तरह से देखा जाए चलाने में नहीं जाएगा, ठीक है, 39 के बाद चलेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ चलेगा जब एक साथ, तो कितना फोर्स लगाएं तब एक साथ ही चल रहा होगा, एक साथ के लिए तो तुमने एक्सलेशन निकाला ही था चार, तो फोर्स निकालो कितना लगेगा। तो क्या करेंगे, अब इसको कंबाइंड सिस्टम मान लो, इस पूरे कंबाइंड सिस्टम मान लो, ठीक है, तो निकाल लो फोर्स, लेकिन गड़बड़ ना कर देना, F इज इक्वल टू 13 इंटू ए करके चले जाओ। क्यों? क्योंकि अब जब इसको कंबाइंड सिस्टम मानोगे, इन दोनों को कंबाइंड सिस्टम मानोगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, F1 मर गया लेकिन F माइनस F2 करके आएगा ना, तो अब जब आप निकालो कितना फोर्स लगाएं एक साथ चले, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, मैं यही कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, क्या लिखोगे इसको, एक कंबाइंड सिस्टम लिखोगे, क्या लिखोगे, एफ माइनस एफ टू। क्यों? अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड सिस्टम देखूं तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इंटरनल हो गया, तो यहां पे एक एक्सटर्नल ग्राउंड से मिलेगा ना, तो F माइनस F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मास 5 प्लस 8, और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे, सॉरी कितना एक्सलेशन मिल रहा था मैं 4, तो F की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 52, और ये जो फ्रिक्शन तुमने निकाला था ये 39, क्यों, F2 max की वैल्यू, तो क्या आएगा 91 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब तक एक साथ चलेंगे। मतलब ये चलना शुरू करेंगे कब, चलना शुरू करेंगे जब 39 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब, जीरो से लेके 39 तक चलेंगे नहीं, 39 से लेके 91, 39 से लेके 91 न्यूटन तक एक साथ चलेंगे, उसके बाद स्लिपिंग हो जाएगी इनकी। समझ में आ रहा है? फिर से देख लो, इसका एबीडी बनाओगे तो डिसाइड करोगे मैक्सिमम कितना होगा, वो तो तुमने डिसाइड कर लिया फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुमने डिसाइड किया ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा, चलेगा लेकिन तुरंत नहीं चलेगा, 39 न्यूटन के बाद चलेगा, उसके बाद एक साथ कब तक चलेगा, उसके लिए तुमने निकाला था, तो उसको तुम पहले ही निकाल सकते थे, लेकिन मैंने बाद में निकाल दिखाया कि कब, इतना, इसका मतलब इतना न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब ये तक ये साथ चलेगा। ठीक है, अब आगे इसके सॉल्व करते हैं। अगर मैं 52 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो क्या होगा, तुमने कहा यार 39 न्यूटन में तो चलना शुरू करता है, 91 तक साथ चलता है, तो 52 में साथ ही चलेगा, इसमें बड़ी बात क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, तो 52 न्यूटन फोर्स लगाओ तो एक साथ चलेगा। ठीक है, तो आप बताओ दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा और इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो फटाफट हम देख लेते हैं, यहां से एक साथ चलेंगे ना, एक साथ चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन चलेंगे, तो मैं फिर इनको एक सिस्टम बना लूं, बना लूं, जब इनको एक सिस्टम बना लोगे तो ये जब सिस्टम बन जाएगा तो यहां पे खाली एक F2 लगेगा, बाकी तो इंटरनल हो गया, बाकी यहां 52 लगेगा।
ठीक है। F2 तुमने अभी निकाला था कितना आया था, 39 न्यूटन, अभी यहां हमने कैलकुलेट किया था ना, तो 30 जाके देख सकते हो पीछे 39 न्यूटन आएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे, अब ये 5 है ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकालना है, तो F माइनस F2 इज इक्वल टू 5 प्लस 8 इनटू एक साथ का एक्सेलरेशन। तुमने कैसे पता कि एक साथ होगा, क्योंकि अगर आपको यही क्वेश्चन मिलता कि 52 न्यूटन का फोर्स लगाने बताओ कब चलेगा, तो आपको जितना मैं पीछे करके आया उतना करना पड़ेगा, बिना किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आपको उतनी मजदूरी करके आनी पड़ेगी, तब इस डिसीजन पे आओगे, फिर आप ये इक्वेशन लिख के सॉल्व करोगे। डायरेक्ट ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। ऐसा ही नहीं, हीरो नहीं, कुछ बच्चे हीरोइन भी बन सकते हैं, कुछ बच्चे हीरोइन टाइप के हो सकते हैं, तो ऐसा मत बनना, कहने का मतलब मेरे ये है। तो ये क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू 13a, सो a क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेगा जब आप लगाओगे 52 न्यूटन फोर्स तब। और फ्रिक्शन कितना होगा, फिर फ्रिक्शन देखना है, तो फिर से अब देखो जरा क्या होगा, फ्रिक्शन देखना तो क्या करें, अब कैसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं, आपने जब डिसीजन लिया होगा कि एक साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब बवाल किया होगा, तो आपने ये वीडियो जरूर बनाया होगा, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू, इसको आप वही जैसे मैंने अभी आप किया था, इसको फ्रिक्शन निकालना, तो इससे सवाल पूछो, तुमको किसने चलाया तो बताएगा फ्रिक्शन ने, पूछो कितने चलाया तो बताएगा 1 से, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू M into 1, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा 5 न्यूटन का, तो इस पे फ्रिक्शन आ जाएगा हमारे पास 5 न्यूटन का, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन है 5 न्यूटन, और एक्सेलरेशन जो है इसका कितना है 1, क्लियर, तो ये इतना आएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं अगर यहां पे 104 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, 104 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, तो क्या होगा, तुमने कहा था कि 39 न्यूटन पे तो चलता नहीं, 91 पे तो चलना शुरू करता है, इतनी मजदूरी करके आओगे क्या, 39 तक चलता नहीं, 39 से लेकर 91 तक एक साथ चलते हैं, इसका मतलब अगर 39 से 91 के बीच में फोर्स लगाओ एक साथ चलेंगे, ये डिसीजन आप लेके आए हो ना, तो 104 पे अलग अलग, ठीक है, अब अलग अलग चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अलग चलेगा, ये अलग चलेगा, ठीक। अब मैं यहां कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिखा चुका हूं, अगर मैं यहां म्यूके लिख देता तो आप म्यूके के हिसाब से अब डिसीजन लेते, तो यहां पे क्या म्यूके के हिसाब से डिसीजन लेते, यहां पे म्यूके के हिसाब से, यहां तो खैर पहले से 39 के बाद से ही चल रहा था, तो यहां 39 के बाद ही म्यूके लगाना शुरू कर देते, क्लियर है कि नहीं। तो खैर अभी हम यहां म्यूज म्यूके सेम ले रहे हैं, तो ये अब अपने हिसाब से चलेगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये तो खैर मैक्सिमम औकात से चल ही रहा होगा अपना, तो इसका 5 है, इसका ए लिखोगे तो यहां क्या हो जाएगा 20, तो इसका एक्सेलरेशन जो A1 का आएगा, A1 का आ जाएगा 4, ये 4 से चलेगा, तुम्हें पता था ये स्लिप करने लग गया तो अपनी मैक्सिमम औकात से चलेगा, इसी का है लफड़ा, और इसका देखते हैं। अब इसका निकालने के लिए आपको इससे बड़ी जरूरत पड़ेगी, तो आप जितना वो काम करके आओ उतना करने के बाद फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, इसका शॉर्टकट यही है कि आप इसको इतना केयरफुली एनालिसिस करो। तो ये एफ क्या लिखोगे, एफ है हमारा F माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ A2, तो F कितना लगाया हमने 104 न्यूटन, F1 कितना है मेरा, F1 मेरा है कितना यहां पे 20, F2 कितना था मेरा 39, तुमने अभी निकाला था, इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ A2, तो कितना जाएगा, ये जाएगा 59, तो यहां पे कितना आएगा 59 ही हो जाएगा, तो आएगा 65 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ A2, सो A2 की जो वैल्यू आएगी 65 डिवाइड बाई 8 आ जाएगी, इतने एक्सेलरेशन से दूसरा चलेगा और पहला वाला उससे चलेगा। इन शॉर्ट अगर हम बोलें, अगर एक सही तरीके से बोलें, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सेलरेशन A2, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो F बाई 8 माइनस ये कितना हो गया 59 टाइम्स ऑफ A2, ये ऐसा सही से बोलूं मैं क्या बोलूंगा, F डिवाइड बाई 8 माइनस 59 डिवाइड बाई 8 टाइम्स ऑफ, तो इसको मैं सही से बोलूं तो क्या हो जाएगा, F डिवाइड बाई 8 माइनस 59 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन जो है, फोर्स बढ़ाते जाओ एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। पता है जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए ये क्वेश्चन बहुत धांसू है, नीट के लिए उतना लेवल पे नहीं जाना है, लेकिन जो भी मैंने पिछला क्वेश्चन किया उसी की मैं समरी देना चाहता हूं आपको, मैं उसी से ग्राफ ड्रॉ करवाना चाहता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर इतना आता ना तो आपको उतना करना पड़ता जितना हम करके आए हैं। आप लोग को डेटा याद है कि ये चलेगा कब, ये चलना स्टार्ट करेगा 39 न्यूटन का फोर्स होगा, साथ में कब तक चलेगा जब 91 न्यूटन का फोर्स होगा, उसके बाद अलग अलग चलना शुरू कर जाएगा, ठीक। तो मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करने को कहता तो कैसे ड्रॉ करते, मैं ये दिखाना चाहता हूं ग्राफ कैसे ड्रॉ करते टाइम के साथ एक्सेलरेशन का,
ठीक है, एक्सलेशन किसका, टू और वन दोनों का। ठीक, तो अगर टाइम 39 होता उस समय तक 39 न्यूटन का फोर्स होता तो 39 न्यूटन का फोर्स तक एक साथ नहीं चले थे जब 39 न्यूटन तक फोर्स तक एक साथ, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो ए वर्सेस टी का, तो देखो कैसे होगा। तो देखो 39 न्यूटन का फोर्स, 39 न्यूटन का फोर्स मतलब क्या है, 39 न्यूटन फोर्स तक एक साथ नहीं चले थे, मतलब चले ही नहीं थे, जिसका मतलब टी इक्वल टू 3 सेकंड तक इनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं था, जीरो था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक साथ चले गए तो किस एक्सेलरेशन से चले थे, एक साथ चले थे तो एक एक्सेलरेशन जो था कॉमन एक्सेलरेशन उससे चले थे। वो एक्सेलरेशन कितना था, अब आपने देखा था एफ माइनस ये 39, ठीक है, एफ माइनस एफ टू किया था ना आपने, इज इक्वल टू 13 ए, यही तो कॉमन एक्सेलरेशन था। तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जाएगा टी माइनस 3 इज इक्वल टू ए। इस टाइप का इक्वेशन बनेगा, नहीं बनेगा, जब एक साथ चलना शुरू हो जाएंगे। आप इसको करके देखो खुद से, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, जानबूझ के जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि कुछ मेहनत आप भी करो। क्या 30 T फोर्स लगाया तो हमने इसका कंबाइंड सिस्टम देखा था, 13 T फोर्स हो गया, तो मतलब फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ए, तो एक साथ चल रहे होंगे तो ऐसा एक्सेलरेशन आएगा, तो उसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, एक साथ चल रहे होंगे ऐसा, जिसका स्लोप पॉजिटिव आएगा और ऐसा जाएगा। फिर इस समय के बाद जब 91 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया, 91 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा आपने 7 सेकंड पे, तो 7 सेकंड बाद इनकी स्लिपिंग हो जाएगी तो ये वाला ब्लॉक तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा। इसका एक्सेलरेशन कितना निकाला था आपने, इसका एक्सेलरेशन निकाला था आपने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन तक एक साथ चलेंगे, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन तक एक साथ चलेंगे। तो आप खुद भी रख सकते हो, यहां 4 रखो, देखो टाइम 7 आ जाएगा, दिख भी रहा होगा 7। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इसका एक्सेलरेशन देखो 1 वाले का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ 1 का ग्राफ है A1 का। 2 का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 भी एक फिक्स एक्सेलरेशन से चलेगा, वो एक्सेलरेशन लेकिन क्या होगा वो देखो। 2 के लिए देखो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, मैं बना कुछ नहीं रहा हूं, जानबूझ के नहीं बना रहा हूं, जिससे आप खुद ढूंढो जाके। फोर्स लगा 13 T, फिर क्या लगेगा, नीचे लगेगा कितना, 39 न्यूटन फोर्स लगेगा, ऊपर से भी एक फोर्स फिक्स लगेगा, वो कितना 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ A2, तो A2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या आएगी, 13 T डिवाइड बाई 8। अभी मैंने इक्वेशन एक्सप्लेन भी की थी आपको, देखोगे तो समझ में आ जाएगा, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में इतना ये A2 आएगा। अब A2 का देखो, इससे पहले वाली लाइन का स्लोप क्या था, 1 था, इसका स्लोप 1 से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, ये 2 के एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जाएगा ऐसा। ये ग्राफ अगर पूछ लिया जाता ना जेई मेंस में, अगर आ जाए जेई एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ग्राफ बहुत सारे बच्चे गलत ड्रॉ करेंगे, लेकिन ग्राफ ऐसे तफरी में नहीं ड्रॉ कर पाओगे आप, पूरा वो करके आओगे तभी ड्रॉ कर पाओगे सही से, समझे। तो इस वीडियो को आप ढंग से देख लो आखिरी तक, क्लियर।